स्पीड में इलाज जैसे, अबे पैर उछलने चाहिए तो धीरे मत चल, ओए स्पीड में अब गुड चल 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 चल, ओए पूरा पैर घुटना ऊपर उठना चाहिए। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि इस होली आप सबका इंडियन आर्मी में होली के बाद में आपका सिलेक्शन हो और बहुत अच्छे से आप मेहनत करें। आज मैं बात करने वाला हूँ रनिंग के 5 जो मोस्ट टॉपिक होते हैं उनके बारे में, और ये जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आप घर पे अगर फॉलो करें तो ना आप गिरेंगे, ना दूसरे बच्चे को क्रॉस करते वक्त आपको कोई तकलीफ होगी, और ना आपकी हिम्मत टूटेगी, ना आपकी किस्मत आड़े आएगी। सबसे पहली बात जो है वो है हिम्मत की। हिम्मत चाहे 400 का पैच हो, चाहे 350 का पैच हो, वहां पे आपकी तरह ही बच्चे आएंगे। वहां पे कोई राक्षस नहीं आने वाले हैं जो आप पहले से घबरा रहे हो कि यार क्या होगा। और जो धक धक दिल में रहती है वो रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिल में वो धक धक डर वाली धड़कन नहीं होगी तो रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हिम्मत ये टाइमिंग का ध्यान रखें। अगर आपका घर पे 5-10 आता था तो इतना ख्याल रखना कि 1600 मीटर का आपका 5-10 ही आएगा, और वहां पे 10-20 सेकंड आपकी घटने वाली ही है। किस्मत नंबर 2, किस्मत आज अच्छी बात कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज लास्ट में आपको पूरी बताऊंगा, वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि मैं करवाता हूँ बच्चे किस प्रकार करते हैं, आप भी घर पे करना। किस्मत नहीं चलती है वहां पे, मेहनत पे भरोसा रखो। हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं तेरी किस्मत होगी तो लग जाएगी, हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि बेटा तू मेहनत करेगा तभी लगेगा। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो, आपकी किस्मत में 101% यही लिखा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ही आप रेस क्लियर कर पाओगे। गिरा तो कैसे उठे ये मैं बताऊंगा आपको। अगर आप गिर जाते हो तो आपको किस प्रकार उठना है इसका ये वीडियो है, आप देखिए 30-40 सेकंड का ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चल रहे नवाब स्पीड में दौड़ते हुए, जमीन को टच करो दोनों साइड से, पूरा कमर सीधी होनी चाहिए जब टच करके खड़े हो जाओ। स्पीड में चल, स्पीड में चल, चल 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 रहे हो दोनों साइड से फटाफट फटाफट। अबे स्पीड में जितना दौड़ के छुओगे उतना फायदा है। पूरा खड़ा तो हो जाओ चौधरी, पूरा खड़ा हो अगर। चल रहे चल 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 चल, शाबाश 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 शाबाश, स्पीड में स्पीड में स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा, नहीं लट मारूंगा मैं। कमर पूरी सीधी करके फिर हाथ से टच किया करो जमीन को। चल 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 चल, अबे चल 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 चल, स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा लंबो। चल रहे चल 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 चल। गिरने से बचने के लिए आपको यही एक टेक्निक काम आएगी। इसमें आपको दौड़ना है और दौड़ते हुए दोनों तरफ आपको झुक के हाथ टच करना है। ये आफ्टर रनिंग करना है आपको, ना कि पहले। वीडियो आपने देखा, अब आपको बताता हूँ कि दूसरे बच्चे को क्रॉस कैसे करें। हम दूसरे बच्चे को क्रॉस करते तो हमें इधर से होके गुजरना पड़ता है, इधर से होके गुजरना पड़ता है। अब इसकी भी भला कोई एक्सरसाइज हो सकती है? हो सकती है। और ये एक्सरसाइज मैंने खुद के एक्सपीरियंस से पता की है कि अगर हमें क्रॉस करना है, हम सीधे दौड़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसे होके क्रॉस करना पड़े उसके लिए क्या एक्सरसाइज है, तो उसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखिए और आपको खुद पता लगेगा कि दूसरे बच्चे को कैसे क्रॉस करना है। ये वीडियो आप देखिए एक बार। स्पीड में इलाज जैसे, अबे पैर उछलने चाहिए स्पीड में, चल रहे अबे हाथ सीधे सामने मत कर, थोड़ा नीचे रख ताकि शरीर का। अब तू कर क्या रहा है, ऊपर जंप कर रहा है तू, करना ये है। चल रहे चल 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 चल, कंटिन्यू कंटिन्यू स्पीड में, शाबाश शाबाश वेरी गुड। दोनों पैर चिपका, दोनों पैर चिपका, दोनों पैर चिपका, शाबाश। अच्छे से हिला रहे इस कमर को, शाबाश 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 कंटिन्यू। आज सही ला रहा है तू हरियाणा। अब देख वापस करने लग गया, ढंग से हिला ले। ये वीडियो आपने देखा, आपको नॉलेज हुआ कि इसमें बस ये वाला डांस है ताकि यहाँ के अच्छे से हो सके एक्सरसाइज, दौड़ते वक्त फटाक से ऐसे निकल के हम बच्चे को क्रॉस कर सकें। लास्ट है जंप। जंप कब करना है? अगर आपके सामने कोई बच्चा है वो गिर गया है, अब उसके ऊपर से जाएंगे तो वो भी किसी की औलाद है यार, उससे अच्छा है आप घर पे प्रैक्टिस रखें, आप उसके ऊपर से जंप करके जा सकते हैं। जंप लास्ट में और शुरुआत में बहुत काम आता है। जंप की जो ये एक्सरसाइज है ये आपको 101% काम में आने वाली है, इसका वीडियो भी आप देखिए। चल 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 चल, ओए पूरा पैर घुटना ऊपर उठना चाहिए पूरा। पंडित पंडित टाइम पास मत कर, ढंग से कर ले।
ओए पूरा पैर उठना चाहिए। चल 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 स्पीड में, अबे घोड़ा नहीं दौड़ता क्या उछल उछल के? चल 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 चल, शाबाश सरदार शाबाश, पूरा पैर ऊपर उठा, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कंटिन्यू कंटिन्यू। अबे जंप के साथ स्पीड में, ये वीडियो आपने देखा तो ये तीन वीडियो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों आप एक्सरसाइज कीजिए, ये आपका दिल जो कलेजा होता है ना कलेजा, वो आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, कोई मायका लाल नहीं है, जो इनसे बेस्ट ढूंढ लो। बाकी चाहे आप हजारों नियम देख लो कि दौड़ करने का ये लो, ये खाओ, ये पीओ, ये धो, कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ये जरूरी है, वो चीजें भी जरूरी है लेकिन वो बाद की बात है, पहले ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये पहले से अगर हम प्लान करके चलते हैं कि हाँ मुझे अपने खेत पे जाना है, वहां पे पावड़ा चलाना है, यहाँ से घास काटना है, इस गाय को इधर बांधना है, भैंस को इधर बांधना है, इसका दूध निकालना है, तो बहुत इजी रहता है काम। तो माइंड पहले इन चीजों पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बार बार कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये चीजें मेरे अंदर है या नहीं है। ये चीजें अगर आपके अंदर नहीं है, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, अगर आपको भीड़ को देख के आपकी हिम्मत नहीं होती वहां दौड़ने की, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिल को अंदर से मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत से बच्चों की इससे हेल्प होती है और आप कहीं ना कहीं वही काम करते हो जो मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप एक शेयर करते हो इसका मतलब है आपने कम से कम एक बच्चे की तो हेल्प की। और होली की फिर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और जरूर आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो, जिस किसी भी फील्ड में आप हो बहुत प्रोग्रेस करें। जय हिंद।